तो स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से पहले आप लोगों को एक वर्ड याद है, डेरिवेटिव, क्लास 11th में पढ़ा था, याद है या भूल गए? याद है ना इतना? तो सारा चैप्टर डेरिवेटिव पे चलेगा। अब इसके लिए हमारे को क्लास 11th और 12th दोनों का बेसिक चाहिए। तो पहले क्लास 11th की बात करेंगे तो कुछ फॉर्मूलाज लिख लो। वैसे एक नॉर्मल पॉइंट पूछ रहा हूं, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, किसी को पता है डेरिवेटिव का मतलब? रेट ऑफ चेंज, या बेसिकली बोलते चेंज, जब एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज पे क्या अफेक्ट पड़ता है। ओके, सबसे पहला पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव क्या कहलाता है बेटा? डी वाई बाई डी एक्स, इतना याद है। अच्छा एक और चीज भी लिखते हैं इससे क्या, वाई वन, ध्यान रखना कई जगह पर मैं वाई वन यूज करूंगा तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, या वाई डैश, अगर एफ एक्स दे रखा हो तो एफ डैश एक्स, इतना पॉइंट क्लियर? ठीक है। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। ओके नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट, लेट्स से ए, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज जीरो। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन एक्स, इतना याद है सबको। अच्छा फिर डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, यहां तक क्लियर? ओके चलो छोटा सा टास्क देते हैं अब। लास्ट एक फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, क्या होता है बेटा एक्स की पावर एन? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, देसी भाषा में पावर आगे एक पावर कम, पॉइंट क्लियर? ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल, ये सारे अपने नोट्स में लिखेंगे। लेट्स से मैंने आपको कहा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव? Yes. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट, ध्यान रखना नंबर टीचर कहां काटते हैं उसको पता है बच्चा, डिफरेंशिएट नहीं लिखेगा वर्ड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स की पावर 5 का 5x की पावर 4, बोल रहा था क्लियर? चलो आगे, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, ये हमने बोल दिया लेट्स से सैम स्पेशल 1, SS1 बोल दिया। अब मैं आपको कहता हूं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर या 4x की पावर 10 माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब बताओ आंसर क्या आएगा इसका, बताओ। बता सकते हो? मेरे को आप सिर्फ तरीका बता दो, अभी मेरे को ज्यादा चाहिए नहीं। वाई इज इक्वल टू 4x की पावर 10 है माइनस 3, डेरिवेटिव क्या होगा इसका? डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा बेटा? क्या नाम था आपका? नाम भूल गया मैं फिर से, अंश, क्या होगा अंश? 40x की पावर 9 माइनस 0, ठीक है, 0 लिखने की जरूरत है नहीं। अब वेट, उसने क्या बोला, एट x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 2 डाल दो, सॉल्व कर लेंगे से, बोलो इतना पॉइंट क्लियर? अब एक नेक्स्ट आता है मेरा प्रोडक्ट रूल, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, अगेन फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल क्या होता है बताओ? यूवी डैश क्या होता है अंश, आप सुना सकते हो बेटा? यू वी डैश प्लस वी डैश यू में डिफरेंस क्या हुआ?
बताता हूँ मैं, बोलूँ एक बार उसको देखने को कंफर्टेबल है, यूवी डैश करना है ना दोनों, ये कब लगता है जब दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो, क्या हो जाएगा इसका यू डैश वी प्लस वी डैश यू, पॉइंट क्लियर। हिंदी में बोलूँ पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। आपको आगे एक और बताऊंगा कि तीन हो तो क्या होता है, मान लो यू वी डब्ल्यू हो तो बता सकते हो, एक का डेरिवेटिव दो एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहले दो एज इट इज, लास्ट का डेरिवेटिव दो एज इट इज, क्लियर। ये लिखवा रहा हूं, ये है प्रोडक्ट रूल, क्लियर ओके लिखवा देता हूं, ये एक्स्ट्रा है यूज में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आएगा एक्स्ट्रा, ये यू वी डब्ल्यू कब यूज आता है, जब बेटा वन मार्क का क्वेश्चन है, क्या होता है इसका डेरिवेटिव u डैश वी डब्ल्यू प्लस यू वी डैश डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू डैश, क्लियर। अच्छा अब एक आता है क्वेश्चन रूल, u बाय v का डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा सर इसमें, हाँ हाँ बिल्कुल, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v स्क्वायर, सिंपल सी भाषा में इधर इसको प्लस की जगह क्या कर दो माइनस, और डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर, क्लियर ओके। इतना बेसिक तो आप लोगों को क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन देता हूं मैं, एक्चुअली वो फॉर्मूला है हमारा तो स्पेस छोड़ देना, 10 मैंने आपको कहा डेरिवेटिव निकालना है 1 बाय एक्स का, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बता सकते हो, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक का, इसको आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जानना चाहते हो कैसे बनाइए बोलो, जानने बता सकते हो, वन बाय एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 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 बिल्कुल सबको माइनस एक्स बोला किसी ने, अच्छा वन बाय एक्स है तो इससे मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर माइनस वन, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव करो डीवाई बाई डी एक्स, पावर आगे एक पावर कम, राइट पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल। अच्छा एक और फॉर्मूला जो काम आएगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इसका क्या होता है, हाँ नहीं पता याद कर ले बहुत काम आने वाला है, वन अपॉन टू रूट एक्स, अब ये कैसे बना होगा बना सकते हो, चलो एक मिनट का टाइम दिया बना के दिखाओ कैसे बना होगा, देखो अब रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर वन बाय टू, पावर आगे डेरिवेटिव करो पावर आगे एक पावर कम माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाय टू हो जाएगी, वन बाय टू का मतलब रूट में और नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल, बोलो यहाँ तक क्लियर। अब ये बेसिक्स तो हो गए, ये तो गए सारे फॉर्मूलाज, अब एक आता है चेन रूल, चेन रूल पता क्या होता है, एक छोटा सा चलो क्वेश्चन देता हूँ आपको पहले, कितने क्वेश्चन लिखवाए अभी तक, दो ना, फाइंड करना डेरिवेटिव इसका, y is equals to 5x cube plus 3x minus 1 into x plus 1, इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ राइट नाउ, वन मिनट। dy by dx क्या लगेगा इस पे बेटा, वास्तव में आप कह रहे तो uv वाला वो क्या होता है, क्या नाम बोलते हैं उसे, क्या मल्टीप्लाई वाला रूल, uv डैश क्या होता है u डैश वी प्लस वी डैश यू, बेटा आप तब तक करो ना अपने हाथ में रोको, चलो u डैश बेटा इसका डेरिवेटिव करो, पहले का डेरिवेटिव कैसे 5x क्यूब का 15x स्क्वायर, 3x का प्लस 3, पॉइंट क्लियर है कंफ्यूजन, और 1 का तो लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू v व्हाट इज v x प्लस 1, बोले यहां तक क्लियर, प्लस
वी डैश यानी एक्स प्लस वन का क्या हो जाएगा, इसका वन इंटू करना मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर, हाँ सॉरी अच्छा आपने इसको इससे कर रहे हो ठीक है, 15x² प्लस 3x प्लस 3 राइट, इसको कर दो बेटा क्या हो जाएगा, पॉइंट क्लियर, 15x³ 5x³ बेटा कितना होता है 15x² एज इट इज 3x 3x 6x 3 माइनस 1 प्लस 2 बोलो क्लियर, ओके ये हो गया आंसर। अब चलो एक टास्क और देता हूँ, देखते कर सकते हो नहीं कर सकते, अभी चेन रूल तो सिखाया नहीं, अभी तो प्रोडक्ट रूल सिखाया है ठीक है, अभी सिखाऊंगा इसके बाद। डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू x² प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 1 1 मिनट के अंदर करना है, इसके बाद आएगा आपका चेन रूल। बेटा क्या लगेगा इस पे वासु, क्या लगेगा इस पे क्वेश्चन रूल, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v² dy बाय dx u डैश इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x इंटू x³ प्लस 1 माइनस v डैश x³ का डेरिवेटिव 3x² इंटू u x² प्लस 1 अपॉन में v² x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोले यहां तक क्लियर, चार्जर ऑन प्लीज, 2x को x³ से मल्टीप्लाई करो कितना बनता है, दोबारा बोलना ठीक है, मेरे को लगा 3 बोला आपने, 2x^4 प्लस 2x माइनस 3x^4 माइनस 3x² अपॉन में x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर राइट, इसको कर दो इससे कितना हो जाएगा माइनस x^4 माइनस 3x² प्लस 2x अपॉन में x³ प्लस 1 अपॉन में होल स्क्वायर। बोलो पहले यहां तक क्लियर, अब आएगा असली चेन रूल, इतना नोट करो, इससे ज्यादा सॉल्व कर ही नहीं सकते आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, नीचे डिनोमिनेटर को ओपन नहीं, डिनोमिनेटर को ओपन नहीं करना, ये दिमाग में डाल लो ये बात। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ये पहले बेसिक्स थे ठीक है।